नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है राजस्थान के बाड़मेर जिले के चैनपुरा गांव में। देख सकते हैं कमल वाले बाबा जी का शिविर लगा हुआ है, तो हजारों लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं किस तरह से टेंट वगैरह लगाए जा रहे हैं। मैं आपको लाइव तस्वीरें शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ तक आने के लिए आपको बाड़मेर रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं, बालोतरा रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं। बालोतरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर चैनपुरा गांव में कैंप लगा हुआ। देख सकते हैं हजारों की संख्या में भीड़ है कमल वाले बाबा जी के। देख सकते हैं किस तरह से टेंट लगाए जा रहे हैं। मैं आपको लाइव तस्वीरें शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं बाबा जी का कैंप में किस तरह से लोग, हजारों लोग पधारे हैं और किस तरह से हजारों की संख्या में यहाँ पर टेंट वगैरह किस तरह से लगाए जा रहे हैं, हवन तैयार किया जा रहा है। मैं आपको लाइव तस्वीरें शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं और दूर दूर से लोग आया, राजस्थान से नहीं बल्कि राजस्थान से बाहर हरियाणा, पंजाब, MP, UP, बिहार से लोग पधारे हैं। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं किस तरह से टेंट वगैरह लगाए जा रहे हैं बाबा जी। तो यहाँ तक आने के लिए आपको बालोतरा उतरना पड़ेगा, बाड़मेर उतर सकते हैं। 40-50 किलोमीटर बाड़मेर से पड़ता है। देख सकते हैं, आपको लाइव तस्वीरें शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं ये साइड में हवन है। तो दोस्तों कमल वाले बाबा जी का शिविर लगा हुआ है, तो आइए जानते हैं पूरा जानकारी इन भाई साहब से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये जो कैंप लगा है बाबा जी का, इसका थोड़ा एड्रेस बताने की कोशिश करें। कौन सा राज्य है ये? राजस्थान में। कौन सा जिला? बाड़मेर। बाड़मेर जिले से कितना दूर पड़ता है ये? बायतू रोड पर है, गुड़ा तहसील। अंदाज कितना किलोमीटर होगा बाड़मेर रेलवे स्टेशन से? बाड़मेर रेलवे स्टेशन से ये है 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर बायतू से है 45 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। तो यहाँ तक आने के लिए क्या साधन है बाड़मेर से? बायतू से रेलवे स्टेशन बस लगी हुई है, रिक्शा लगा हुआ है। बालोतरा से 40 किलोमीटर है। और यहाँ कितने दिन तक रहेगा ये? रहेगा 5 तारीख में। 5 तारीख तक? हाँ 5 तारीख, 5-8। खाने पीने की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था बन रही है, खाने पीने की अभी कैंप चालू हो गया। रुकने की क्या व्यवस्था है? रुकने की ये डैम लग रहा है, वो सामने डैम लग गया हवन कुंड के पास। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश। तो सुरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमको पूरी पूरी जानकारी दी। सर आप कहाँ से आए? सर हम आए हैं यूपी से, गोरखपुर से। क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे बच्चे वो चलता नहीं, इस पर्पज से मैं आया। कितना दिन हो गया आपको? मेरे को अभी कल आया हूँ मैं सर। अच्छा अच्छा, आपका पहला दिन ही? जी सर, जी सर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। देख सकते हैं जो पानी का जो टेंट होता है वो लगाए जा रहे हैं। देख सकते हैं हजारों की संख्या में किस तरह से भीड़ जुटी हुई और टेंट लगाने की कोशिश सब। देख सकते दूर दूर से लोग आए हैं और किस तरह से अपना 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 दुख लेकर कमल वाले बाबा जी के कैंप में। आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते किस तरह से भीड़ जुटी, पूरी पूरी। मीडिया वाले